हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्यंस फन क्लब। मेरे इस चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए, आप सभी शिक्षक साथियों के लिए, संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविदा शिक्षक भर्ती 3 के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में और इनकी अंक पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, संविदा शिक्षक भर्ती का जो पेपर होगा, जो एग्जाम होगा, वो होगा आपका 150 अंकों का और 150 ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपसे 2.5 घंटे दिए जाएंगे आपको, यानी 150 मिनट ही आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कोई भी प्रकार का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको टेंशन लेने की ये भी जरूरत नहीं है कि हमारा कोई गलत क्वेश्चन लग गया है तो इसका कोई माइनस मार्किंग होगी। अगर आपको जितने सही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उतने पहले सही से अच्छे से क्वेश्चन लगा लें, जिसके बाद आपको नहीं आ रहे हैं उनके आप अंदाजे से भी आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के रूप में होंगे, जिनके आपको 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको एक सही उत्तर अपना चुन करके अपना ओएमआर शीट में उसको भरना है। दोस्तों, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें 5 विषय होंगे। पहला होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपका 30 नंबर का होगा और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा होगा प्रथम भाषा का, जिसमें आपने अगर प्रथम भाषा आपको हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, इन चारों में से आपको कोई भी एक अपनी प्रथम भाषा के रूप में सिलेक्ट करना है। ये भी आपका 30 अंक का होगा और 30 में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा होगा भाषा द्वितीय का, जिसमें भी आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू चारों में से फिर से कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले प्रथम भाषा के रूप में हिंदी सिलेक्ट करनी है तो हिंदी को छोड़कर के बाकी की 3 भाषाओं में से आपको द्वितीय भाषा के रूप में सिलेक्ट करना है, यानी जो भाषा आप प्रथम भाषा के रूप में चुन चुके हैं उसको आप द्वारा से द्वितीय भाषा में नहीं सिलेक्ट कर सकते, उसको छोड़कर के आप किसी भी 3 भाषाओं का सिलेक्शन आप कर सकते हैं और उसमें भी आपसे 30 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे। चौथा होगा आपका गणित यानी मैथ्स का होगा, जिसमें आपके पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, बाल विकास के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। 30 अंक का ये प्रश्न, 30 अंक का ये भाग होगा और 30 ही आपसे प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। पांचवा जो हमारा होगा, अंतिम जो होगा, वो पर्यावरण का होगा, एनवायरमेंट का होगा। इसमें भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी आपके 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से आपका जो टोटल मार्किंग रहेगी वो 150 अंकों की रहेगी और टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो आपके रहेंगे 150 अंकों के, और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट का। तो दोस्तों, ये थी संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 से संबंधित जानकारी। आपको कैसे क्या सिलेबस आएगा, कितने सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स की मार्किंग रहेगी, कितने अंक से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वर्ग 3 की परीक्षा पास करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों पर पहुंच जाया करे और वीडियो में आने वाले क्वेश्चन का, सिलेबस का लाभ आप सबसे पहले उठा सकें। तो मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। हम अपने चैनल पर लगातार बारी बारी से एक एक करके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, उनको एक एक करके डेली से अध्ययन करेंगे। उनकी जो उनमें जो आने वाले क्वेश्चन है वो वीडियो के रूप में आप लोगों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो प्रश्न है वो है पेडागोजी के, उनके हम बारे में स्टडी करेंगे, एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। हमारी पहली कक्षा का जो वीडियो है वो जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।